हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 15 अमेजिंग गैजेट जो काफी कमाल के हैं और आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरहॉक्स एक्सट्रीम एयरबोर्ड। दोस्तों, आपने वीडियो गेम्स में पैराग्लाइडिंग तो की होगी, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये काफी मजेदार होता है। लेकिन अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे आप ये काम रियलिटी में तो कर ही सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉय होता है, इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जिससे कि आप इस पैराग्लाइडर को कंट्रोल कर पाएंगे। सो गाइज, अगर आप भी एक छोटा सा ड्रोन चाहते हैं जो दिखने में बिल्कुल पैराग्लाइडर जैसा लगता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। गफ गन। दोस्तों, स्टेज मैनेजमेंट काफी जरूरी होता है और अगर आपने भी ऐसा कभी कुछ किया हो तो एक बार इस गैजेट को देख लीजिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टेज पर काफी सारे वायर्स होते हैं और उनमें किसी का भी पैर फंस सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। इस गैजेट की मदद से आप आसानी से वायर को कलेक्ट करके उनके ऊपर टेप कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप ऐसे भी टेपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उलझन वाली होती है और उसमें काफी समय भी लग जाता है। सो गाइज, इस गैजेट की हेल्प से आप ये काम बड़ी आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। पार्किस वर्टिकल बाइसिकल लिफ्ट। दोस्तों, अगर आपके घरों में या पार्किंग में साइकिल खड़ी करने की जगह कम हो तो ये गैजेट आपको बेहद पसंद आएगा। ये एक छोटी सी लिफ्ट होती है जिसमें आप साइकिल के आगे वाले पहिए को फंसाकर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि साइकिल वर्टिकल पार्क हो जाएगी। इसे यूज करना भी काफी आसान है। आप जैसे ही इसमें साइकिल को फंसाएंगे ये खुद बे खुद ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगती है। सो गाइज, अगर आपके घरों में या पार्किंग में स्पेस कम है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। टॉय नेल स्ट्रेटनर। गाइज, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पैरों के नाखून समय के साथ साथ कर्व हो जाते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। इस गैजेट की हेल्प से आप अपने पैरों के नाखूनों को सीधा कर पाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है इस काम को करने का। बस आपको इतना करना होगा कि इसे अपने पैरों के नाखूनों में सेट करना होगा, जिसके बाद लगभग 20 मिनट तक आपको अपने पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखना है, जिसके बाद आप इस गैजेट को अपने नाखूनों से हटाते हैं तो ये काफी हद तक नाखूनों को सीधा कर देगा। आप इसका 2-3 बार यूज करके उन्हें पूरी तरीके से सीधा कर सकते हैं। फ्लेक्स फॉर्म हीटेड जैकेट। गाइस, सर्दियों के मौसम में जैकेट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ठंड इतनी बढ़ जाती है कि ये जैकेट्स भी काम नहीं आती। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस खास जैकेट का तो इसमें ठंड लगने का तो कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ फिट रहती है कुछ हीटिंग क्वाइल जो कि इस जैकेट को गर्म रखने का काम करेगी, और साथ ही इसके टेम्परेचर को आप अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं इसमें एक पावर बैंक इनबिल्ट होता है जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन को भी चार्ज कर सकते हैं, और मोबाइल फोन ना होने की कंडीशन में आप इसमें क्विक एक्सेस बटन से भी इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आप भी एक ऐसी जैकेट चाहते हैं जिसमें जाड़े का कोई नामो निशान ना हो तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। फिंगर मैग्नेटिक रिंग। गाइज, आपने बच्चों को फिजेट स्पिनर के साथ टाइम पास करते हुए देखा होगा, लेकिन अब वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, और अगर आप चाहते हैं कुछ नया करना तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। गाइज, ये एक तरीके की मैग्नेटिक रिंग होती है जिन्हें आप अपनी उंगली में फंसाकर काफी सारे मजे ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, मैजिकल ट्रिक के लिए भी इस तरीके का गैजेट काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इससे आप अजीबोगरीब खेल भी दिखा पाएंगे। ये रिंग्स अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। स्पॉकेट व्हील लाइट। गाइज, अगर आप राइडिंग का शौक रखते हैं और अपनी बाइसाइकिल को एक नया लुक देना चाहते हैं तो ये लाइट आपको काफी पसंद आएगी। इस गैजेट को आप आसानी से अपनी साइकिल की स्पोक्स में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की बाइसाइकिल में फिट हो जाएगी। इसमें इनबिल्ट रहती है मल्टी कलर RGB लाइट जिसे कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसमें एक इनबिल्ट बैटरी होती है जो कि रिचार्जेबल होती है, यानी कि आप इसे मोबाइल फोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। सो गाइज, इस गैजेट की हेल्प से आप अपनी बाइसाइकिल को न्यू लुक तो दे ही सकते हैं, साथ ही रात के समय में आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा गैजेट है।
बबली ब्लास्टर। गाइज अगर आप बियर पीना पसंद करते हैं तो ये गैजेट एक बार आप जरूर देख लें। इसे खास तौर पर बियर लवर के लिए बनाया गया है, जिसकी हेल्प से वो बियर के साथ साथ ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं। नॉर्मली तो बोतल को ओपन करते टाइम हम लोग काफी मस्ती करते हैं अपनी बियर बोतल के साथ, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस गैजेट का। इसकी हेल्प से आप आसानी से काफी सारी मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि इसे एक बार इसकी बोतल पर सेट करने के बाद जब आप इसके ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो इससे बियर की एक बीन जैसी निकलेगी, जो कि काफी मजेदार लगती है देखने में। सो गाइज अगर आप भी अपने बियर पीने के एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और काफी सारी मस्ती करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। स्टिक बॉक्स। गाइज वैसे तो हम सेल्फी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेल्फी स्टिक का, लेकिन हर जगह हम उन्हें साथ में ले आकर नहीं घूम सकते, क्योंकि वो साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और उन्हें कैरी करना भी उतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप भी कुछ ऐसा गैजेट परचेज करना चाहते हैं जो कि हमेशा आपके लिए एक सेल्फी स्टिक की तरह काम करें, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के केस कवर का। गाइज ये आपके मोबाइल फोन को सेफ तो रखता ही है, साथ ही आप जब चाहें इसे एक सेल्फी स्टिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके बैक पर कुछ स्टिक लगी होती हैं जो कि आपस में जुड़ी रहती हैं, जिन्हें आप ओपन करके अपने मोबाइल फोन केस कवर को ही एक सेल्फी स्टिक के रूप में बदल पाएंगे। सेट पैक जैंट। गाइज बैठने के लिए तो चेयर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है, लेकिन हर जगह और हर सिचुएशन में हमारे लिए चेयर अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का, जो कि एक तरीके से आपके लिए पोर्टेबल चेयर की तरह काम करता है। इसका साइज और शेप बिल्कुल भी एक चेयर की तरह नहीं होता, और साथ ही साइज में इतनी छोटी होती है कि आप इसे अपनी पॉकेट में रखकर घूम सकते हैं, और इसमें आपको एक्सटेंड के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि आप जब चाहे इसे ओपन कर सकते हैं और आसानी से इसमें टिककर घंटों खड़े रह सकते हैं। अब कार्ट। दोस्तों नॉर्मली भारी सामान उठाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर उन्हें सीढ़ियों से ले जाना हो तो वो और ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस खास गैजेट का, जो कि खास तौर पर हैवी लोड के लिए बनाया गया है। आप इसकी मदद से हैवी सामान को इजीली मूव कर सकते हैं, साथ ही इसमें ट्राई व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी हेल्प से आप सामान को स्टेयर्स में भी चढ़ा सकते हैं। ये कार्ट एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट वेट होती है। आप इसमें 200 पाउंड तक का वेट कैरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जरूरत के हिसाब से इसके हैंडल को भी सेट कर सकते हैं। ये साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है, आप इसे इजिली फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। स्टेप एंड पुल। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोनों हाथ इंगेज होते हैं और हमें डोर ओपन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं छोटे से गैजेट का। इसकी हेल्प से आप अपने डोर को इजीली ओपन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा गैजेट होता है जिसे डोर के निचली साइड पर इंस्टॉल करना होता है, जिससे कि आप पैर का यूज करके आप डोर्स को ओपन कर पाएंगे। मिनी वैक्यूम क्लीनर। गाइज अगर आपका कीबोर्ड काफी गंदा हो जाता है और उसमें काफी डस्ट जम जाती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से वैक्यूम का, जिसे आप यूएसबी पोर्ट में लगाकर यूज कर सकते हैं। इसमें एक बटन दिया गया है जिससे आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, साथ ही इसमें एक लाइट दी गई है। ये काफी पावरफुल वैक्यूम है, जिससे आप कीबोर्ड की डस्ट को बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं, और क्लीन हो जाने के बाद आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपका भी कीबोर्ड गंदा हो जाता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। रोबोट सूटकेस स्कूटर। दोस्तों अगर आप ट्रैवल पर्पस ट्रॉली बैग का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार इस गैजेट को जरूर देख लें, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रॉली बैग होते हैं उनको आपको ड्रैग करना पड़ता है, यानी कि कहीं भी जाना है तो आपको उसको घसीट कर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक एडवांस गैजेट है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच से पेयर कर पाएंगे, और आप जहां जाएंगे ये आपके पीछे पीछे खुद ही आ जाएगा, यानी कि इसे आपको घसीटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात की जाए इसके सबसे खास बात की, तो वो ये है कि इसमें एक स्कूटर भी इनबिल्ट रहता है, यानी कि अगर आपको किसी अनजान शहर में टैक्सी ना मिले और आपको कहीं जाना हो तो आप इसका इस्तेमाल करके आराम से कहीं भी जा सकते हैं। वैसे तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है ऐसी सिचुएशन में।
गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।